तन्हाई के गुना इंसान को कभी भी अल्लाह के साथ कनेक्ट नहीं होने देते। अल्लाह रब्बुल इज्जत से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए जो चीज ज्यादा फायदेमंद है वो ये है कि आप तन्हाई में इबादतें करना स्टार्ट करते हैं, आप तन्हाइयों में अल्लाह का जिक्र स्टार्ट करते हैं। तन्हाई के गुनाहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। तकरीबन एक दो हफ्ते के अंदर अंदर आप अल्लाह का ताल्लुक फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अपने अल्लाह के लिए कुछ कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से इंसान को जो चीज दूर लेकर जाती है बहुत तेजी के साथ, वो तन्हाई के गुनाह है कि एक इंसान बैठे बैठे लेटे लेटे तन्हाई के गुनाहों में मुलव्वस हो जाए। सो इसे तन्हाइयों में बड़ी लज्जतें मिलती हैं, बड़ा आराम और सुकून इसे घेरता है, लेकिन अल्लाह का ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया होता चला जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताल्लुक को मेंटेन रखने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने दिल के करीब रखने के लिए ज़रूरी ये है कि आप तन्हाई की इबादतों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपके पास कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें आप और आपका रब तीसरा कोई ना हो, फिर चाहे वो टाइम आप इबादत में गुजारें, कुछ सीखने में गुजार दें, या अल्लाह को याद करने में गुजार दें, या अल्लाह से अपना दुख अपना